तमिलनाडु। तो आज हम डिस्कस करेंगे तमिलनाडु के बारे में, अल्फाबेटिकली हम सारा पढ़ते चल रहे हैं। फॉर्मेशन ईयर है 26 जनवरी 1950। चेन्नई इज अ कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी इज चेन्नई। इड्डापड्डी के पलानी स्वामी इज अ चीफ मिनिस्टर एंड वनवारी लाल पुरोहित इज गवर्नर। फिर ध्यान से समझना, वनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है, इंपॉर्टेंट बनता है इनका नाम। एंड के पलानी स्वामी की बात करें, ई के पलानी स्वामी इज अ चीफ मिनिस्टर। चेन्नई इज अ कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल की बात करें वो चेन्नई है। एंड फॉर्मेशन ईयर 26 जनवरी 1950 है। यहां पर देखना जो लेजिस्लेचर यूनिक कैमरल, मतलब यहां पर विधान परिषद की सीट नहीं है, 234 सीट है यहां पर लेजिस्लेचर यूनिक कैमरल। डिस्ट्रिक्ट 32 है, लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एसएससी ओरिएंटेड बैंक में नहीं पूछा जाता इसका कि लेजिस्लेचर यूनिकैमरल और बाइकैमरल पूछा जाता है। जैसे कि हम संसद की जब भी बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा ध्यान में आता है, जैसे ही विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद आता है राज्यों में। इसी तरीके से जिन स्टेट में सिर्फ विधानसभा है उसको हम बोलते हैं यूनिकैमरल, और जिन स्टेट में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है उसे हम बाइकैमरल बोलते हैं, मतलब विधान परिषद की भी सीट है। अब यहां पर जो बात करें तमिलनाडु की, यहां पर सिर्फ विधानसभा की सीट 234, लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा की सीट 18 और 32 डिस्ट्रिक्ट है यहां पर। ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है और इंग्लिश है। जिन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर होता है यूनियन टेरिटरी की, तो पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। एक बार मैप के थ्रू इसकी लोकेशन देखेंगे, उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। मद्रास हाई कोर्ट की बात करते हैं, विजय कमलेश ताहिल रमानी, याद हो कुछ दिन पहले ही मैंने डिस्कस किया था इनका नाम कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो विजय कमलेश ताहिल रमानी यहां के चीफ जस्टिस बने हैं। डांस फॉर्म की बात करें, भरतनाट्यम कुम्मी फेमस डांस फॉर्म है। बृहदेश्वरा टेम्पल, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, कामाक्षी अम्मन टेम्पल, ये एग्जाम में बहुत आ चुके हैं दोनों ही नाम, कि मीनाक्षी अम्मन टेम्पल का नाम, कामाक्षी अम्मन टेम्पल कहां पर है, बृहदेश्वर टेम्पल कहां पर है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक बार इसकी लोकेशन देखिए, तमिलनाडु की बात करें तो केरला है, ये कर्नाटका है और ये अपना आंध्र प्रदेश है। इन तीनों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। यूनियन टेरिटरी की बात करें पुडुचेरी, पुडुचेरी की बेसिकली बात करें पुडुचेरी इज आल्सो पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द केरला। तो एक यूनियन टेरिटरी जो कि तीन राज्यों में भैया एक तरीके से बात करें, एक स्पेशली ये देखिए आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और केरला है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि नेशनल पार्क्स भी यहां पर मैंने मेंशन किए हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, सब कुछ देख लेते हैं। गुंडी नेशनल पार्क मुदु मलाई, मतलब जहां पर देखिए मलाई वर्ड आ जाएगा ना सबके सब लगा दीजिएगा, तमिलनाडु मैक्सिमम तमिलनाडु में ही नेशनल पार्क है। मुदु मलाई नेशनल पार्क, अन्ना मलाई नेशनल पार्क, विराली मलाई नेशनल पार्क, ये सभी के सभी कहां पर है, तमिलनाडु में। गुंडी नेशनल पार्क, मुदु मलाई, अन्ना मलाई, गल्फ ऑफ मनार मराइन नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क, स्टार्टिंग सिर्फ वर्ड उठा लीजिए, यही एक एक लाइन में याद रखना है। गुंडी, मुदु मलाई, अन्ना मलाई, गल्फ ऑफ मनार, मुकुर्ती एंड पलानी हिल्स, ऑल नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन तमिलनाडु। वल्लनाडु, कलक्कड़, ये कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, विराली मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेदनथंगल वर्ल्ड सेंचुरी, श्री वित्तुल ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हम श्री विल्ली पित्तूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फेमस बिल्कुल है, एग्जाम में बहुत बार आया है ये तमिलनाडु राज्य में। इसके अलावा मद्रास तो नाम से ही क्लियर है, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट भी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है।